हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेज कुकिंग विद साधना। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए फ्राइड राइस, जिसमें मैं कोई भी वेजी ऐड नहीं कर रही हूँ, एक भी सब्ज़ी नहीं डालूँगी, ना ही तो कोई मसाले डाल रही हूँ, एक भी मसाले नहीं डाल रही हूँ, कोई से भी मसाले नहीं। और बहुत ही हमारे मज़ेदार से, बहुत ही टेस्टी से फ्राइड राइस बन करके रेडी होंगे। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए आज के इस मज़ेदार से चटपटे से फ्राइड राइस को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ट्विस्ट दे करके बनाने वाली हूँ मैं। तो चलिए हम इसे फटाफट से बना लेते हैं। तो हम चावल कुक नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास बचे हुए राइस हैं उनसे ही मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गैस पर चढ़ाई हुई कढ़ाई, और उसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल। जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो वो डाल लें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 बड़ी साइज़ का प्याज या नॉर्मल साइज़ का प्याज, जैसा आपका मर्ज़ी हो आपकी डालिए। इसके अलावा हम कोई भी स्पाइस ऐड नहीं करेंगे। कुछ देर में हमारा जो प्याज है वो भुन जाएगा। जैसे ही प्याज हमारा भुन करके रेडी होता है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे कुक्ड राइस है ना, पके हुए चावल, उन्हें डाल दूँगी। और इन्हें डाल करके हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो बेहतरीन तरीके से चला करके इन्हें मिक्स कर लीजिए। कोई भी मसाला नहीं डालना है, और सब्ज़ी अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप डाल सकते हैं अपनी पसंद की, कोई से भी कैरेट डाल लीजिए या बीन्स डाल लीजिए, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो चावल को मसालों के साथ में मिक्स करने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ सेज़वान चटनी। जी हाँ, सेज़वान चटनी डाल रही हूँ मैं इसमें, और ये है हमारे सेज़वान फ्राइड राइस। तो कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और हाँ, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें एक ही चीज़ ऐड करनी है, वो है नमक, प्लेन सॉल्ट। मैं इसे अच्छे से मैंने ऑयल के साथ में और चटनी के साथ में मिक्स कर लिया है। उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। बस सिर्फ और सिर्फ इतना सा नमक ही हम डालेंगे, और हमारी इसमें हमें और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। मटर डाल लें, गाजर डाल लें, शिमला मिर्च डाल लें, बीन्स डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो ये हमारे बढ़िया से जो राइस हैं फ्राई होकर के रेडी हो गए हैं। मैं इन्हें बस 2 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी। थोड़ा सा जो फ्राई हो जाता है तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया सा आ जाता है। तो बस 2 मिनट के लिए मैं इसे और फ्राई कर रही हूँ अच्छे से चला करके। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा कलर दिख रहा है ना। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, और अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा मज़ेदार से बने, और खाने में इसके टेस्ट के तो कहने ही क्या है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार से सेज़वान फ्राइड राइस की रेसिपी, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ में। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा, मेरे चैनल वेज कुकिंग विद साधना को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरी बहुत ही मज़ेदार सी, धमाकेदार सी, टेस्टी सी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइव स्ट्रीम में आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल जो मैंने लाइव स्ट्रीम की थी उसमें मुझे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा रिस्पॉन्स दिया है। तो विश करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, और प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।